हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं जो आपके लिए प्लान लेकर आया हूँ उसका साइज़ है 25 फीट बाई 44 फीट। 25 फीट इस प्लान का चौड़ाई है और 44 फीट 44 फीट इस प्लान का लंबाई है। दोस्तों ये साउथ फेसिंग का वन साइड ओपन प्लॉट है। इस प्लॉट का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ है और इसके बाहर की तरफ रोड है। बाकी तीनों तरफ राइट साइड में, लेफ्ट साइड में और पीछे दूसरों की प्रॉपर्टी है, दूसरों की बिल्डिंग्स हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस प्लान को डिज़ाइन किया है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज के प्लान्स और इसके प्लान के डिटेल। तो दोस्तों घर के अंदर जाने के लिए यहाँ पे एक 4 फीट चौड़ा यहाँ पे डोर डिज़ाइन किया है, दरवाज़ा डिज़ाइन किया है, जिससे हम अपने घर के अंदर जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे हम घर के अंदर एंटर करते हैं, जाते हैं, तो यहाँ पे एक जस्ट राइट साइड पे एक विंडो डिज़ाइन किया है जिसका साइज़ है 2 फीट बाई 4 फीट, जिससे जो हमारी नेचुरल लाइट है, जो प्राकृतिक रोशनी है, वो हमारे घर के अंदर जाएगी। तो इससे हम आ जाते हैं अपने घर के अंदर। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक स्टेयर केस डिज़ाइन किया है। तो स्टेयर केस यहाँ से हम जाते हैं, तो ये हमारी सेकेंड फ्लाइट है, दूसरी फ्लाइट है, तो जिससे हम जो कि ये हमारी ऊपर की तरफ होगी। तो इस ये हमारा मिड लैंडिंग है और मिड लैंडिंग के ठीक नीचे से हमारी जो हमारा जो जो डोर है वो मिड लैंडिंग के ठीक नीचे से है। तो हमारी जो घर के अंदर जो हम जाएंगे वो मिड लैंडिंग से होते हुए इसके नीचे से जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ से हमारी जो स्टेयर केस है वो अप हो रही है, इधर से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। और यहाँ से जो स्टेयर केस का जो चौड़ाई है वो 3 फीट है और जो हमारा ट्रेड है जिस पर हम अपना पैर रखेंगे वो 9 इंच का है और जो हमारा राइजर होगा वो 7 इंच का होगा। तो अभी आ जाते हैं अब इधर से। यहाँ से अप होते हुए हम मिड लैंडिंग पे, मिड लैंडिंग पे हमको 3 फीट का स्पेस मिलता है। तो और इसके जस्ट आगे भी यहाँ पे 2 फीट और भी मिड लैंडिंग के लिए मैंने स्लैब डिज़ाइन किया है, जिससे हमारी जो 5 फीट की मिड लैंडिंग मिलती है, जो काफ़ी बड़ा एक मिड लैंडिंग स्पेस है और काफ़ी अच्छा एक डिज़ाइन है। तो इसके ठीक नीचे से हम सेकेंड फ्लोर से इधर होते हुए हम अपनी स्टेयर केस से होते हुए फर्स्ट फ्लोर में आ जाएंगे और सेकेंड फ्लाइट के नीचे से ही हमारे घर के अंदर ये 3 फीट 4 इंच का हमको जगह मिलता है, जिससे हम अपने घर के अंदर जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर 3 फीट 6 इंच का यहाँ पे एक डोर डिज़ाइन किया है, जिससे हम अपने घर के अंदर जाएंगे। तो जैसे हम अंदर जाते हैं तो हम आ जाते हैं अपने डाइनिंग एरिया में, और डाइनिंग एरिया से ही हम आ जाएंगे अपने किचन में। तो किचन में जाने के लिए यहाँ पे 4 फीट का एक ओपन आर्क डिज़ाइन किया है, जिससे हम अपने किचन में जाएंगे दोस्तों। तो किचन का जो साइज़ है, वो जो लंबाई है वो 9 फीट है और चौड़ाई जो है वो 7 फीट है। तो यहाँ पे इस वाली वॉल पे एक विंडो डिज़ाइन किया है जिसका साइज़ है 4 फीट बाई 4 फीट, जिससे हमारी जो नेचुरल लाइट है वो हमारे किचन के अंदर आएगी दोस्तों, और जो भी हमारा जो धुआँ होगा वो इस विंडो से होते हुए बाहर की तरफ चला जाएगा। तो अभी आ जाते हैं यहाँ पर अपने डाइनिंग हॉल में। डाइनिंग हॉल से हम यहाँ पे आप देखेंगे तो एक आर्क डिज़ाइन किया है जिसका साइज़ है 3 फीट 6 इंच, इसका जो चौड़ाई है वो 3 फीट 6 इंच है, जिससे हम अपने कार पोर्च एरिया में जा सकते हैं दोस्तों। इधर से भी हम जा सकते हैं, ये हमारा ओपन आर्क है। तो इधर इसका जो साइज़ है कार पोर्च एरिया का, कार पार्किंग एरिया का, उसका जो चौड़ाई है वो 9 फीट है, 9 फीट है, और उसका जो लंबाई है 13 फीट 4 इंच है। इस वाली वॉल से लेके यहाँ तक हमारे जो हमारे गेट है, जो कि हमें इसका गेट है, वहाँ तक हमारी जो लंबाई है वो 13 फीट 4 इंच है। तो दोस्तों यहाँ पे एक इसमें जाने के लिए हमें इसका चैनल गेट डिज़ाइन किया है, जो लोहे वाला गेट है, जो कि ओपन होगा, तो जिससे हमारी कार अंदर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे 8 फीट 6 इंच का यहाँ पे चौड़ा गेट है, जिससे हम हमारी कार अपने कार पार्किंग वाले एरिया में जाएगी। तो कार पार्किंग एरिया से होते हुए फिर अपने आर्क से होते हुए अपने डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं दोस्तों। तो डाइनिंग हॉल का जो साइज़ है वो 9 फीट 8 इंच है, जो उसका लंबाई है, और 7 फीट इसका चौड़ाई है, 7 फीट इसका चौड़ाई है। तो यहाँ पे 5 से 6 लोग एक साथ बैठ के लंच या डिनर कर सकते हैं, यहाँ पे डाइनिंग टेबल प्लेस कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके जस्ट राइट साइड पे यहाँ पे कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम डिज़ाइन किया है, जिसका जिसमें जाने के लिए 2 फीट 6 इंच का चौड़ा डोर है, दरवाज़ा है, जिससे हम अपने कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम में जाएंगे। तो इसका जो साइज़ है 6 फीट 2 इंच इसका लंबाई है और 5 फीट 3 इंच इसका चौड़ाई है दोस्तों। तो इस वाली वॉल पर एक वेंटिलेशन डिज़ाइन किया है जिसका साइज़ है 2 फीट बाई 2 फीट, जिससे हमारी जो भी बदबू होगी, जो भी स्मेल होगा, वो इस वेंटिलेशन से होते हुए स्टेयर केस की तरफ से होते हुए बाहर की तरफ चली जाएगी दोस्तों। तो अभी आ जाते हैं अपने कॉमन टॉयलेट से बाहर यहाँ पे। तो ये हमारा डाइनिंग हॉल से ही हम आ जाएंगे अपने गेस्ट रूम में। ये हमारा गेस्ट रूम पब्लिक ड्राइंग रूम है, हम जैसे भी चाहे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका जो साइज़ है 13 फीट 7 इंच इसका लंबाई है और 8 फीट 6 इंच इसका चौड़ाई है, जो कि काफ़ी बड़ा ये गेस्ट रूम है। तो यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग सोफ़ा प्लेस कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी आ जाते हैं यहाँ से अपने फिर डाइनिंग हॉल में ही। डाइनिंग हॉल से ही हम अपने आ जाएंगे कॉमन बेडरूम में। तो कॉमन बेडरूम में जाने के लिए D1 एक डोर डिज़ाइन किया है जिसका साइज़ है 3 फीट चौड़ा है और 7 फीट इसका लंबाई है दोस्तों, जिससे हम अपने कॉमन बेडरूम में जाएंगे। तो कॉमन बेडरूम का जो साइज़ है 13 फीट 13 फीट इसका लंबाई है और 9 फीट 6 इंच इसका चौड़ाई है दोस्तों।
तो दोस्तों ये हमारा कॉमन बेडरूम है जिसका हम यूज़ करेंगे। एक रिक्वेस्ट ये करना था दोस्तों कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं हाउस प्लान से रिलेटेड और वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, और आपका अगर कोई नक्शा है, कोई प्लान है, कोई प्लॉट है तो जिसका आप नक्शा चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं दोस्तों। तो अभी आ जाते हैं अपने फिर डाइनिंग हॉल से ही। तो डाइनिंग हॉल से अपने गेस्ट रूम से होते हुए हम आ जाएंगे यहाँ पे पूजा रूम में। तो ये इससे के जस्ट इसमें जाने के लिए यहाँ पे 3 फीट 2 इंच का यहाँ पे पैसेज डिजाइन किया रास्ता है, जिससे हम अपने पूजा रूम में जा सकते हैं। तो इसका जो साइज है 6 फीट इसका लंबाई है। ये ओपन पूजा रूम है, यहाँ पे कुछ भी कोई वॉल कोई दीवार नहीं रहेगा। तो यहाँ पे इसका जो चौड़ाई है 4 फीट 3 इंच है। तो इसमें इसी के जस्ट साइड में यहाँ पे एक शाफ्ट डिजाइन किया है, जो कि इसका जो साइज है 4 फीट 3 इंच है, और इसका जो चौड़ाई है 3 फीट 6 इंच है दोस्तों। तो इस शाफ्ट वाली वॉल पे विंडो डिजाइन किया है जिसका साइज है 3 फीट बाई 4 फीट, जिससे जो भी हमारी नेचुरल लाइट है शाफ्ट शाफ्ट से होती हुई हमारे पूजा रूम में आएगी दोस्तों। तो अभी इस वाले कॉमन बेडरूम के लिए इस वाली वॉल पे एक विंडो डिजाइन किया है जिसका साइज है 3 फीट बाई 4 फीट। तो इस वाले रूम के लिए इस वाली वॉल पे विंडो है, तो इस जो हमारी नेचुरल लाइट है इस विंडो से होते हुए हमारे कॉमन बेडरूम में आएगी। तो अभी आ जाते हैं फिर अपने पैसेज से होते हुए यहाँ पे हम आ जाएंगे। तो ये हमारा मास्टर बेडरूम 1 है। इसमें जाने के लिए D1 वही डोर है जिसका साइज है 3 फीट बाई 7 फीट, जिससे हम अपने मास्टर बेडरूम में जाएंगे। तो मास्टर बेडरूम का जो साइज़ है 15 फीट 8 इंच का लंबाई है इस वाली वॉल से लेके यहाँ तक, इस वाली वॉल तक काफ़ी बड़ा ये मास्टर बेडरूम है। और इसका जो चौड़ाई है वो 10 फीट है, 10 फीट इसका चौड़ाई है। तो इसमें यहाँ पे इस वाली वॉल पे विंडो डिजाइन किया है जिसका साइज़ है 4 फीट बाई 4 फीट, जो कि हमारे ड्राइंग रूम में ओपन होता है दोस्तों, ड्राइंग रूम वाले एरिया में ओपन होगा। तो अभी आ जाते हैं फिर मास्टर बेडरूम से यहाँ पे अपने पैसेज में, और पैसेज से होते हुए मास्टर बेडरूम 2 में आ जाते हैं। इसको चाहे तो हम दूसरे बेडरूम के तौर पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बेडरूम 2 के तौर पे। तो इसमें जाने के लिए यहाँ पे 3 फीट बाई 7 फीट का एक डोर है, जिससे हम अपने मास्टर बेडरूम में जाएंगे दोस्तों। तो मास्टर बेडरूम 2 है, तो इसका साइज़ है 13 फीट 1 इंच इसका लंबाई है, लेंथ है, और इसका जो चौड़ाई है 11 फीट है। ये भी काफ़ी बड़ा बेडरूम है इस प्लॉट के अकॉर्डिंग। तो इस वाली वॉल पे, इस शाफ्ट वाली वॉल पे एक विंडो डिज़ाइन किया है जिसका साइज़ है 3 फीट बाई 4 फीट, जिससे हमारे जो नेचुरल लाइट और फ्रेश एयर है वो हमारे मास्टर बेडरूम में सर्कुलेट होगी दोस्तों। तो अभी बात कर लेते हैं वॉल पोजीशन की और कॉलम साइजेस की। तो हमारे घर के बाहर बाहर जितनी भी वॉल्स हैं, जितनी भी दीवार हैं घर के बाहर वाली, वो सारी 9 इंच की वॉल डिजाइन की गई है दोस्तों इस वाले प्लान में। और जो कि हमारे घर के अंदर की जो पार्टीशन वॉल है, जो कि ये सारी वॉल्स जो आप देख रहे हैं ये, वो सारी 5 इंच की वॉल मैंने डिजाइन की है दोस्तों। तो अभी बात करते हैं कॉलम पोजीशन की और कॉलम साइजेस की। तो ये हमारे रेड कलर में, ये जो है लाल कलर में, ये हमारे कॉलम्स हैं जिनको पिलर भी बोलते हैं, जिनका साइज है 9 इंच बाई 9 इंच का ये कॉलम है। तो हमारी लास्ट वाली वॉल पे 3 कॉलम डिजाइन किए हैं, और मिडिल वाली वॉल पे भी यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, और इस वाली इसके जस्ट आगे जाएंगे तो यहाँ पे भी मैंने 3 कॉलम डिजाइन किए हैं दोस्तों। तो ये हमारी स्टेयर को उसको सपोर्ट करने के लिए भी यहाँ पे मैंने 2 कॉलम डिजाइन किए हैं, और इस वाले चैनल गेट को भी सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे 2 कॉलम डिजाइन किए हैं। जो भी हमारे कॉलम्स हैं इनका साइज़ है 9 इंच बाई 9 इंच, और इन सब पे हमारी बीम्स टाई कर जाएगी, बीम्स आ जाएगी दोस्तों, जिनका साइज होगा 9 इंच बाई 12 इंच दोस्तों। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर प्लान चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको भी आपके लिए अपलोड कर दूँगा दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में बताएँ दोस्तों। तो ये दोस्तों एक बात ये बताना था कि ये जो आर्क का जो एलिवेशन है, जो किचन आर्क में जो एक आर्क डिजाइन किया है जिसका 4 फीट चौड़ा है, तो ये एलिवेशन में ऐसे दिखेगा, ऐसा जो कि ये बनता है, जो कि ये बनेगा तो काफ़ी अच्छा व्यू आएगा किचन में जाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।